प्रिय मित्रों नमस्कार। इस कविता पाठ में आपका पुनः स्वागत है। वॉइस ऑफ पोइट्री नामक चैनल में ये कविता उपलब्ध है। आपको जब भी टाइम मिले, वक्त मिले, जरूर पढ़ना। आपको परे हट के चीज़ें मिलेंगी। ये एक तरह से आपके मन में कोमलता का बीजारोपण भी होगा और आपका इससे एंटरटेनमेंट भी होगा, क्योंकि कविताएँ का जो शीर्षक है और जो इनका अंदर जो विषय वस्तु है वो बहुत ही रोचक है। अब इस कविता का जो शीर्षक है उसका है नीरस व्यक्ति। आप घर में रहें, घर में भी कोई नीरस व्यक्ति हो सकता है, आस पड़ोस में नीरस व्यक्ति हो सकता है, जहाँ काम करते हैं वहाँ भी नीरस व्यक्ति हो सकता है। और नीरस व्यक्ति से नेचुरल है कि आपका उससे वास्ता भी पड़ेगा। तो वो नीरस व्यक्ति कैसा है इसके बारे में ये कवि ने चार स्टैंजा, चार मिनट, और ये जैसे मैंने आपको बताया ये कविता मैंने 12 साल पहले लिखी थी। पहला, नीरस व्यक्ति के बारे में कवि क्या कहता है। दूसरों में कमियों का बखान करना, दूसरों में कमियों का बखान करना एक व्यवहारिक अवगुण त्रुटिपूर्ण जघन्य दोष है। दूसरों में कमियों का बखान करना एक व्यवहारिक अवगुण त्रुटिपूर्ण जघन्य दोष है। मन ही मन में स्वयं को दोष रहित मानना, मन ही मन में स्वयं को दोष रहित मानना रोजमर्रा की शामलात जिंदगी में केवल मात्र विष घोलने एक क्रिया विशेष है, क्रिया विशेष है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति विवेक रहित एवं नीरस होता है। ऐसा व्यक्ति विवेक रहित व नीरस होता है, अज्ञान अहंकार से पीड़ित होता है। संबंधी मित्र मंडली निजजन परिजनों हेतु आफत शामत आत्मा का लहू चूसने वाला भयावना झोंक होता है। नीरस व्यक्ति के बारे में कह रहा है, ऐसे व्यक्ति के ऐसे व्यक्तित्व में, या मैं कहूँ नीरस व्यक्ति के नीरस व्यक्तित्व में, ऐसे इंसान में दो चार व्यक्ति अवश्य विष संचार का घृणित सर्जन दुष्कर्म करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, बुरे व्यक्ति को और बुरा बना देते हैं। अपना बहुमूल्य वक्त तो बेकार करते ही हैं, इस व्यक्ति विशेष को भी समाजित निमित्त बेकार बना देते हैं। हमें ऐसे मित्र मंडली के विशेष शेष समूह को, ऐसे व्यक्तियों के दुराचार को विराम लगाना चाहिए। जीवन सर्वथा सरल स्पष्ट मित्रतापूर्ण संस्कारों से ही जीवित रहता है। उलझने अहंकार पीड़ित नीरस व्यक्ति से निरर्थक के झमेलों से हमें दूर रहना चाहिए। दूसरों में कमियों का बखान करना एवं व्यवहारिक अवगुण त्रुटिपूर्ण जघन्य दोष है। मन ही मन में स्वयं को दोष रहित मानना रोजमर्रा की शामलात जिंदगी में केवल मात्र एक विष घोलना है। धन्यवाद।